वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही ज़बरदस्त एक एप्लीकेशन है। आप उसके अंदर आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। कुछ इफेक्ट हैं बहुत ही मज़े के हैं, मुझे लगे हैं। आप उस इफेक्ट को बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डीपीज़ वगैरह, लोगो वगैरह एडिट करते हैं तो आप उसके अंदर इफेक्ट लगा के इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत ही ईजी। वो कैसे बनेगा, आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कहाँ से करना है? प्ले स्टोर से नहीं आपने डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से या डाउनलोड करेंगे तो वो आपको फ्री वर्जन में इफेक्ट वगैरह ओपन नहीं मिलेंगे। हमें चाहिए जी ऑल फीचर अनलॉक, बिल्कुल फ्री में, प्रीमियम वर्जन बिल्कुल फ्री में चाहिए, विदाउट परचेज के ऊपर। तो वो सारा मसला इसी वीडियो में सॉल्व होने वाला है। डाउनलोड करने का तरीका क्या है कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन का नाम क्या, लूमी। ये एप्लीकेशन का नेम है, ये आप देख लें, फोटो एडिटर लूमी। इसके अंदर क्या चीज़ होता है, इसके अंदर ये स्टाइलिश फिल्टर भी मौजूद है। इसके अंदर ये देखें, कलर इन्हेंसमेंट, HSL, बाकी ये आप देख रहे हैं और भी बहुत ज़बरदस्त, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फीचर अवेलेबल है। डाउनलोड करने का तरीका आप देख लें जी, गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है जी लूमी मोड APK, लूमी मोड APK लिखेंगे। मोड का वजन होता है जी सारे फीचर अनलॉक, किसी भी एप्लीकेशन का नेम लिखें, आगे मोड APK लिखें तो आप उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजी, विदाउट उसके वाटरमार्क के, विदाउट एनी एड्स वगैरह के, बिल्कुल फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करें, ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। मेरी अभी इंस्टॉल है तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको जल्दी से ओपन कर देता हूँ। लूमी को ओपन करते हैं जी, आपने यहाँ मेरी फिल्टर, मेरी फ़ोटो पहले की ओपन थी तो आपने यहाँ से फ़ोटो ओपन कर लेनी सिंपली। जैसे कि एक फ़ोटो है तो अभी ये पबजी की है तो इसको हम लोगो बनाएंगे। लोगो किस तरह बनाएंगे, पहले हम इसको सेट कर लेंगे। सेट फिल्टर वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा मज़े का लगता है, जो आपको ज़्यादा मज़े का लगता है उसको आप इसको सेट कर लेंगे। देख रहे हैं अभी जैसे कि ये मुझे ये अच्छा लगा तो इसको मैंने सेट कर लिया। तो यहाँ पे जाने के बाद इसको अगर आप ये भी लगाना चाहते हैं, इसको सेट करना चाहते हैं तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। इतना मैंने सेट कर लिया, इतना सेट करने के बाद बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर लें। ब्राइटनेस आप देख लें कितनी आपको रखनी है, कितनी आप रखना चाहते हैं। कंट्रास्ट भी इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल फ्री में। अभी जैसे कि इसको मैंने सेट कर लिया है, सेट करने के बाद अभी हम आते हैं जी फिट इधर इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद हम यहाँ से इफेक्ट लगाते हैं जी, ये वाला। अभी देखेंगे इसको, इफेक्ट को हम लगा लेंगे जहाँ पर हम लगाना चाहते हैं इफेक्ट, वहाँ पर लगा लेंगे। इसको उठा के ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं लेकिन हम यहीं पर लगाएंगे। इफेक्ट हमारा लग गया जी, इफेक्ट बहुत ही मज़े का लग रहा है। अभी ब्लिंक में आते हैं, ब्लिंक में आने के बाद ये हमारी कुछ चमकदार पिक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए होता है। इसको भी आप सेट कर सकते हैं, जो आप अगर आप सेट करना चाहते हैं सेट करते, नहीं करना चाहते डिलीट पर क्लिक करें, उसके ऊपर दोबारा क्लिक करें वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी इसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे, ग्लो लगाना चाहते हैं तो आप ग्लो भी लगा सकते हैं। ये देखें ग्लो भी आप इजीली लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये देख रहे हैं आप किस तरह से ग्लो कर रहा है। अब इसको ग्लो भी करवा सकते हैं, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग आ गई है एक बंदे के अंदर, ये देखें। उसके बाद जी आते हैं दोबारा इफेक्ट के अंदर जी, टेक्सचर, अगर टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो आप टेक्सचर भी लगा सकते हैं, जो आपको ज़्यादा मज़े का लगता है। उसके बाद जी दोबारा इफेक्ट में आते हैं, उसके बाद इसके ग्लिचेस वगैरह लगा सकते हैं, वेदर, टोन, बाकी जो आपको अच्छा लगता है आप लगा सकते हैं इसलिए। उसके बाद जी आता है ये बीजी, बीजी आता है, बीजी के बाद आप ब्लर लगाना चाहते हैं, ब्लर भी आप लगा सकते हैं जी।
ये वाली ब्लर बैकग्राउंड है तो इसको हम, ये हमारी ब्लर सेट हो गई। उसके बाद अभी बीजी में दोबारा जाते हैं जी। दोबारा बीजी के अंदर जाते हैं तो यहाँ से हम स्ट्रोक उठाते हैं। स्ट्रोक उठाने के बाद हम इसको लगा देते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला स्ट्रोक लगाया। तो इसका कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये लगाना चाहते हैं तो आप इसको भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का लग रहा है, ओपी लग रहा है, तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं। जो कलर आप अच्छा लग रहा है उसी कलर में आप इसको सेट कर लें। जैसे कि अभी ये ज़्यादा मज़े का लग रहा है तो इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये वाली जो हमारी बैकग्राउंड टेक्सचर है ना, टेक्सचर मज़े की नहीं लग रही, टेक्सचर को हम कर देंगे रिमूव। टेक्सचर किधर गया जी, इसका नाम क्या था जी, ये जो अभी हमने ये लगाया था ये हमें मज़े का नहीं लग रहा है, इसको हम रिमूव कर देंगे। इतना सही है, इतना ही हम इसको रखते हैं। ये जैसे हो गया, आगे इसको टेक्स्ट वगैरह अगर इमोजी वगैरह सेट करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट लिखते हैं इसके ऊपर, मैं लिखता हूँ जी स्नाइपर, मैंने लिखा। स्नाइपर लिखने के बाद इसके आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं जी, बहुत इजी। आप इसके ये देख रहे हैं, बहुत ही इजी चेंज कर सकते हैं जी। इसको आप नेम को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट दिए होंगे। बाकी आप एडिटिंग इसके अंदर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, मज़े करें।